हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमबीर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है, और ये इंपोर्टेंट नोटिस क्या है, देखिए। जो आपका पीटी है, ये है आपका 16/1/2023 से 20/1/2023 तक ई कॉल लेटर में दर्शाई गई तिथि, स्थान एवं समय पर किया जाएगा। दिनांक 16/1/2023 से 20/1/2023 तक पर्याप्त वैध कारण से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक, यानी कि जो भी छात्र यहां से 16 से 20 तक अगर किसी कारणवश एब्सेंट होते हैं, यानी कि कोई दिक्कत आ जाती है उन्हें और पहुंच नहीं पाते हैं वहां पर, तो वो जो उनका जो उनके लिए एक डेट दी गई है वो है 21/1/2023, यानी कि 21/1/2023 को वो अपनी शारीरिक दक्षता यानी कि पीटी दे सकते हैं। उनको 21/1/2023 को देने के लिए अवसर दिया गया है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको अगर लेट भी हो जाते हैं तब भी आपको एक अवसर दिया गया है, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 7 बजे, एवं महिला जो हैं उनके लिए समय है वो है 10 बजे। अगर आप इस दिन भी नहीं पहुंचेंगे तो ये समझिए कि फिर आपको और अवसर यानी कि और चांस नहीं दिया जाएगा, यही एक अंतिम मौका रहेगा आपके पास जो आप पीटी दे सकते हैं। इसके बाद में देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु शारीरिक एवं चिकित्सीय रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं। किसी भी संशय की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सीय सलाह लेना अपेक्षित है। रेलवे प्रशासन शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या परिणामी हानि, चोट, दुर्घटना, नुकसान उठाने होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेह नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई भी चोट वगैरह कुछ भी लगती है, कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदार रेलवे नहीं है। तो इन्होंने ये बात इसमें कही है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आप लोगों के लिए कि जिनका अगर पीटी छूट भी जाए गलती से तो वो निराश ना हो, वो 21 तारीख को आराम से अपना पीटी दे सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा छात्र फेल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा छात्र फेल इसीलिए हो रहे हैं कि वो टाइम से रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सभी स्टूडेंट 4 चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि वो सांस फूल रही है या नहीं फूल रही है, लेकिन 4 चक्कर वो अपने कंप्लीट कर ले रहे हैं, यानी कि दौड़ तो वो मार रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि उनका जो है समय वो देख नहीं पाते हैं कि समय अब इस समय कितना हो रहा है, जिसके कारण वो समय में कुछ सेकंड से चूक जाते हैं। तो आपको सही समय का पता लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सही समय का अगर पता होगा तो आप सही टाइम से रनिंग कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर 60 लड़के दौड़ाए जा रहे हैं तो आपको देखना है कि कम से कम जो आगे 40 लड़के दौड़ रहे हैं उनके साथ आप दौड़ोगे तो आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर 30 लड़के दौड़ रहे हैं तो वहां देखिए आप 20 लड़कों के साथ दौड़ना है आपको। इसी तरह से इसी रेशियो में, यानी कि 2:3 के रेशियो में आपको दौड़ना है, यानी कि आपको ये देखना है अगर 100 लड़के दौड़ रहे हैं, 100 तो वैसे किसी भी जगह नहीं दौड़ेंगे, अगर 100 लड़के दौड़ रहे हैं तो आगे के 60 लड़के होंगे उनके साथ दौड़ना होगा। तो इस तरह से आपको दौड़ना है, ये नहीं करना है कि मैं पीछे हूं तो पीछे ही नंबर आ जाएगा। यानी कि किसी भी रेस में अगर जैसे 30 लड़के दौड़ रहे हैं तो वहां पर देखिए 6-7 लड़के तो निकलने ही निकलने हैं, तो जो लास्ट के 6-7-10 तक होते हैं वो डाउट में रहेंगे, तो आपको आगे के 20 लड़कों में दौड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको समय की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप दौड़ मार लोगे, और फिर आप जो समय की कह रहे हैं क्योंकि घड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा, आपका समय कैसे पता लगा। तो यही एक उपाय है कि आप आगे के 30 में से 20 लड़कों में दौड़ोगे तो फिर आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका समय कम नहीं पड़ेगा। आपको यही काम करना, ये गलती नहीं करनी है कि मैं अगर पीछे भी जा रहा हूं तो हो सकता है मैं दौड़ लगा लूं, ये आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए, ये चीज आपको नहीं सोचनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।